आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वीवो S1 की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बात करते हैं वीवो S1 की। वीवो S1 एक मिड रेंज बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसके मेन फीचर्स हैं ट्रिपल कैमरा, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट और OLED डिस्प्ले। आइए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है इसका मैनुअल, जिसके अंदर हमें एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केस भी प्रोवाइडेड है। आगे चलते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन इसका बहुत ही प्यारा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इनके एक्सेसरीज की। यहाँ पे हमें दिए जाते हैं हेडफोन्स, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में और वीवो की ब्रांडिंग के साथ। दूसरा है माइक्रो USB केबल। एक चीज़ बहुत हैरानी की थी कि इसमें टाइप सी क्यों नहीं दी गई, लेकिन माइक्रो USB भी एक अच्छा काम करती है। फिर आता है चार्जिंग ब्रेक। चार्जिंग ब्रेक इसका 18 वॉट्स के साथ है, जो आपका फ़ोन 2 से 2.5 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, फ़ोन को अनपैक करते हुए हम देखते हैं और बात करते हैं वीवो S1 के बारे में। वीवो S1 6GB रैम और 128GB रोम के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल है। वीवो S1 में MediaTek का हीलो P65 का प्रोसेसर लगाया गया है। फ़ोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी अवेलेबल है। वीवो S1 में 4500mAh की एक बड़ी बैटरी डाली गई है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं फोन के बैक की। फोन के स्काईलाइन ब्लू कलर में पर्पल और व्हाइट का ग्रेडियंट डाला गया है। फोन बहुत ही एक स्लीक और शाइनी डिजाइन के साथ है। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा का डिजाइन और फोन की बॉडी एक बहुत ही उम्दा तरीके से तराशी गई है। अब बात करते हैं फोन के इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर की। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बहुत ही अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखेंगे, हम इसको अनलॉक करके देखते हैं। इसका फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से अनलॉक होता है। 6.38 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले के साथ और क्रिस्पी 448 PPI के साथ ये एक बहुत ही अच्छी स्क्रीन की लिस्ट में आ जाता है। गेमिंग के हवाले से देखा जाए तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, चाहे वो PUBG हो या कलर स्विच, दोनों ही गेम विदाउट लैग चलती है। साउंड क्वालिटी भी इस फ़ोन की बहुत अच्छी है और ये रोज़मर्रा के डेली ड्राइवर के लिए बेस्ट फ़ोन है। देखा जाए तो मिड रेंज के लिए ये बेस्ट फोन है। 49,999 की प्राइस के साथ पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।